भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता लाल किशन आडवाणी एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार चर्चा की वजह उनकी खराब सेहत। लाल किशन आडवाणी को बुधवार रात दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन अब उनकी हालत स्थिर है और उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री को एम्स के पुराने निजी वार्ड में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। हालांकि उनकी बीमारी के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों के मुताबिक दिग्गज नेता बढ़ती उम्र में कुछ संबंधी स्वास्थ्य दिक्कत का सामना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। तो आइए जानते हैं लाल किशन आडवाणी की जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में जिनका जानना आपके लिए और हमारे लिए बेहद जरूरी है। लाल किशन आडवाणी ने आरएसएस के जरिए अपने राजनीतिक करियर का आगाज किया था। लाल किशन आडवाणी का राजनीतिक सफर कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। साल 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ की स्थापना की, तब से साल 1957 तक आडवाणी पार्टी सचिव रहे। इसके बाद 1973 से 1977 तक उन्होंने जनसंघ में अध्यक्ष पद संभाला। फिर साल 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई, तब वह इसके संस्थापक सदस्य थे। बीजेपी की नींव रखने वाले नेताओं में अहम नेता के तौर पर उनका नाम शुमार है। गांधीनगर सीट आडवाणी का गढ़ कहा जाता है। वो गांधीनगर से 7 बार सांसद रहे, साथ ही 4 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। साल 2014 में आडवाणी ने आखिरी बार लोकसभा का चुनाव गांधीनगर से लड़ा था और जीत हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने खराब सेहत के चलते चुनाव नहीं लड़ा। आडवाणी के बाद इस सीट से पिछले 2 बार से अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं और जीत हासिल कर रहे हैं। लाल किशन आडवाणी देश के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को पाकिस्तान की सिंध प्रांत में हुआ था। बता दें, लाल किशन आडवाणी राम मंदिर के आंदोलन में काफी आगे रहे और अहम भूमिका निभाई। हाल ही में 31 मार्च को वरिष्ठ नेता लाल किशन आडवाणी को राजनीति में उनके लंबे योगदान के चलते भारत रत्न से नवाजा गया था, जिस दौरान भी उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंच सके थे। इससे पहले उन्हें साल 2015 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।